दुख भी कुछ शर्तों के साथ आता है। दुनिया चाहती है कि आप उससे उभर जाएं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में खालीपन का शोक टूटते हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता रहता है, इस उम्मीद से कि कोई अलग धुन बजेगी। और इस दौरान आप इंतजार में बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या कोई रास्ता है जिससे आप अपने गम से निकलने के लिए एक दिशा मिले। कभी कभी एक रास्ता होता है जिसे देखने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आखिर में वो रास्ता मिल ही जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन एस, मैं हूँ आपके साथ सोनू शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने जुलाई 2006 में एक ऐसे हादसे का सामना किया जिससे वो उभर नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपने आप को संभालने का रास्ता मिल गया, और वो रास्ता था पशु प्रेमी और कार्यकर्ता जानवरों को बचाना। हम बात कर रहे हैं पुणे की पद्मनीश चमकी। आज वो पशु प्रेमी और कार्यकर्ता जानवरों को बचा रही हैं और अपने घर में पाल रही हैं। अपनी जिंदगी के इस सफर से पहले उन्होंने अपने 27 साल के बेटे स्टीव को दुबई के एक बड़े हादसे में खो दिया। इस हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। इस हादसे ने पद्मनी को हिला के रख दिया। वो हर दिन अपने बेटे की याद में बैठी रहती थी, रोती रहती थी। हर रात की तरह एक रात और वो अपने बेटे की याद में काफ़ी दुखी महसूस कर रही थी। पद्मनी घर से बाहर निकली और देखा कि एक पिल्ला उन्हें देख रहा है। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें लगा कि उन्हें आगे बढ़ने की वजह मिल गई। अगले कुछ दिनों में पद्मनी को एहसास हुआ कि आवारा जानवरों की मदद करके उन्हें बहुत शांति मिलती है, और तब उन्होंने मिशन पॉसिबल की स्थापना की, जो कि पशु कल्याण की तरफ एक पहल है और भटकते हुए जानवरों को बचाती है। इस मिशन में पद्मनी का साथ उनके फैमिली फ्रेंड नामी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्र कसबेकर भी दे रहे हैं। तब से पद्मनी और रविंद्र ने कई 100 जानवरों को बचाया, उनका उपचार किया, उन्हें टीका लगवाया और पाला है। पद्मनी का पूना स्थित घर गुलशन महल एक समय में 100 से ज़्यादा बचाए गए कुत्ते और बिल्लियों का घर भी है। पैसों के अलावा ये दोनों अपने समय और ऊर्जा जानवरों की देखरेख में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस रास्ते पर कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ी। कई लोगों ने पद्मनी की दयालु भावना भरी पहल को सराहा, तो कुछ ने उन्हें अपने गुस्साए पड़ोसियों का भी विरोध झेलना पड़ा। वे लोग चाहते थे कि पद्मनी घायल कुत्तों को अपने घर में ना पाले, लेकिन पद्मनी बेफिक्र है। उनका मानना है कि हर पशु जीने के एक मौके का हकदार होता है। एक अच्छी बात ये भी है कि मिशन पॉसिबल को कभी कभी उनकी ही तरह सोचने वाले लोगों से मदद मिल जाती है। हर रास्ते पर मुश्किल आती है, कोई रास्ता आसान नहीं होता, और कभी कभी जो हादसा हमारे साथ हो जाता है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन हर मुश्किल और परेशानी से निकलने का रास्ता होता है, बस वो हमें देखना पड़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हिंदुस्तानियत, भारतीयता या इंडियननेस के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।